once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice. Hello, welcome to my channel Pooja R Blog. और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट हेयर केयर रूटीन. रात के टाइम पे मैं अपने बालों का ध्यान किस तरीके से रखती हूँ और आपको भी रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बाल बहुत ही ज्यादा लंबे, सिल्की, शाइनी और स्ट्रांग बने. तो बिल्कुल मेरी तरह आपके भी बाल हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. दिन भर तो हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन रात का हम 5 मिनट तो अपने बालों के लिए और ये निकाल. हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार बालों को बढ़िया तरीके से हमें ऑयलिंग करना ही चाहिए, हम सभी को करना चाहिए. अगर आप ये सोचते हैं कि बालों में तेल लगाने से बाल झड़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है. बालों को तेल उतना ही जरूरी है जैसे कि हमारे बॉडी को पानी. एग्जैक्ट. तो ये मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि तेल लगाने से बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, मेरे बालों को तेल बिल्कुल भी सूट नहीं होता है. तो देखिए, अगर सूट नहीं होता है ना तो आप बहुत ज्यादा तेल मत लगाइए, क्योंकि अगर आप बालों को जितना तेल चाहिए उससे दुगना तेल लगा लिए तो ऐसा नहीं, एक दिन में अगर एक बॉटल आप टॉनिक का पी जाएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक ही है, फायदेमंद नहीं है. तो सेम वैसा ये जितना तेल हमें जरूरत है उसी हिसाब से हम बालों को तेल देंगे. और अच्छे तरीके से बालों को तेल लगाने का जो प्रोसीजर है अगर आपने वो फॉलो कर लिया और एकदम अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको 99% कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को. तो स्पेशली देखिए, नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बालों का मतलब कुछ बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला कोई रूल नहीं है कि ऐसा ऐसा फॉलो करना है. बस बालों को सबसे पहले आप सुलझा लीजिए, कंघी कर लीजिए. इस समय मैंने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है, कंघी कर लिया है. वो बढ़िया से पहले सुलझा लेना है, ठीक है. उसके बाद हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. और उसके बाद मैं आज लगाने वाली हूँ सिर्फ कोकोनट ऑयल, प्लेन कोकोनट ऑयल, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. सिर्फ इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा डबल बॉयलर की मेथड से गर्म कर लूंगी, क्योंकि हल्का सा गुनगुना, हल्का गुनगुना मतलब उंगली डालेंगे ना तो हल्का सा गर्म लगना चाहिए, बस उससे ज्यादा. बस डबल बॉयलर की मेथड से गर्म कर लें और उसके बाद फिर हम चंपी करेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. तो तेल को हमने हल्का सा गर्म किया, हल्का सा गर्म कर लिया, मतलब उंगली डालने पे ना हल्का सा गर्म लग रहा है. और सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे स्काल्प से अपने. जब भी आप तेल लगाएंगे तो अच्छे तरीके से मसाज करते हुए तेल लगाना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ. लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फास्ट दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो को, लेकिन आपको अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से सर्कुलेशन मोशन में बढ़िया तरीके से मसाज देना है स्काल्प में और पूरे बाल के एंड तक के लगा लेना है तेल को बढ़िया तरीके से. अगर आप एंड तक अच्छे से तेल लगाएंगे तो जो स्प्लिट हेयर होते हैं वो भी डे बाई डे कम हो जाएंगे धीरे धीरे. और आपको ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब हम तेल लगाते हैं तो बाल हमारे थोड़े से वीक हो जाते हैं और जब आप कंघी लगाएंगे और उसे खींचेंगे तो बहुत ज्यादा बाल आपके आ जाएंगे. बालों को तेल लगाने के बाद आप चाहे तो जूड़ा बना लीजिए और चाहे तो डबल चोटी बना लीजिए और चाहे तो सिंगल चोटी बना लीजिए. तो मैं अभी यहाँ पे सिंगल चोटी बनाऊंगी. बालों को जब आप तेल लगाने के बाद चोटी बनाएंगे तो हल्का सा ढीला चोटी बनाना है आपको, बहुत ज्यादा टाइट चोटी नहीं बनाना है. जैसे कि इस समय आप देख सकते हैं मेरी चोटी बहुत ज्यादा मतलब कि लूज वाली है, बहुत ज्यादा टाइट वाली चोटी नहीं. तो ये हमारा 1 ग्लास पानी रहा चोटी को तेल लगाने के बाद. बालों को तेल लगाने के बाद पानी जरूर पीजिएगा या फिर मसाज करने के बाद, याद से इसे स्किप मत कीजिएगा. पानी पी लिया और अब हम अच्छे से नींद लेंगे, सो जाएंगे. जब भी आप सोते हैं ना तो बालों में चोटी बना करके सोएंगे तो कम से कम बाल आपके टूटेंगे और इससे आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी भी होंगे, आपकी चोटी भी मोटी होगी हेल्दी होने के साथ साथ और स्ट्रांग भी होगा, ठीक है. तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और चैनल को सपोर्ट कीजिए. इस चैनल पे मैं इसी तरीके से हेयर केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन और मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं ले करा पाती हूँ, कहीं मैं बाहर गई तो वो ब्लॉग में शूट करती हूँ. लेकिन अगर आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, वीडियो को पसंद करेंगे, व्यूज ज्यादा आएगा, शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं डेली ब्लॉग भी शूट करूंगी आप सभी के लिए. तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये मेरा
नाइट हेयर केयर रूटीन जो है वो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।